बिग बॉस चाहते हैं कि ईशान कैरीमिनाटी की वीडियो पे रिएक्शन दे। बहुत तेज हो रहे हो हैं। Welcome to my channel, Ishan says, and if you're watching me for the very first time, I would love it if you hit the subscribe button right now. I don't know anything to do, but also we can actually, you don't miss any video from my channel, so let us send me number of a card, hey. तो जैसे कि प्लान डिसाइड किया है इस चैनल पे ईशान से इस चैनल पे फ्यूचर वीडियो सिर्फ वो ऐसा कुछ किया है कि मतलब दिन में दो वीडियो आएंगे, एक रिएक्शन वीडियो आएगा जो हम 12 बजे से पहले डालेंगे सुबह, और एक रैंडम वीडियो आएगा जो आएगा तुम्हें पता चल जाएगा, जिसमें भी मजा भरपूर आएगा वो आएगा शाम को 6 बजे के बाद कभी भी। और रिएक्शन वीडियो कोशिश की जाएगी मतलब 12 बजे से पहले आ जाए, मतलब आ जाए। तो आज आए हैं हम खैरी मीनाक्षी के एक वीडियो पर रिएक्शन देने, मतलब लकीली अनलकीली। लकीली तो ये कि मैंने वीडियो नहीं देखा, अनलकीली है कि मैंने वीडियो नहीं देखा। ये फन वीडियो होने वाला है। आई नो खैरी मीनाक्षी की बहुत सारी वीडियो मैंने देखे हैं, कुछ वीडियो मैंने नहीं देखे, तो ये वाला वीडियो में से एक था जो मैंने नहीं देखा था। और बिग बॉस मैंने पूरा शो देखा है, तो मैंने कहा ये कैसे मिस हो गया। मैंने सोचा यार ये तो रिएक्शन का कंटेंट मिल गया मेरे को, तो ज़्यादा समय इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो काम तो लोगों का है ना, फटाफट वीडियो देखेंगे। और बाकी बता देना तुम इसके बाद कौन सी वीडियो देखी जाए। तो चलिए, तो कैसे हैं आप लोग? आ गए बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। ये एक गधों की रेस है जिसमें सुअर दौड़ते हैं, और इस रेस का संचालक है बिग बॉस सलमान भाई। बिग बॉस सलमान भाई, बिग बॉस सलमान भाई। हमेशा की तरह इस बार भी कुछ नादान परिंदों को पकड़ लिया गया है और उन्हें बोल दिया नो बेंच। तो अगर होता होगा तो अच्छी बात है, नहीं होता होगा रियल तो मुझे नहीं लगता है नेक्स्ट रियल है, तो फिर ईशान को जाना चाहिए। एटलीस्ट अगर ऐसा है, अगर सलमान फट के बोलने पे 1740 लोग बोल रहे हैं, इसे लड़ना नहीं ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जो लोग बिग बॉस को फॉलो करते हैं ना, मुझे नहीं पता तुम धरती के कौन से तत्व से बने हो, लेकिन एक बात पक्की है, तुम साले अकेले ही मरोगे। खैर अपने बालों के साथ खेलना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी पक्षोदी के। हमारे पहले प्रतियोगी है ये आशिको, मैं दिल का मुझे जीना मत सिखा, मुँह में ले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा, टूटा मेरा दिल उसे जोड़ना मत सिखा, मुँह में ले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा, तेरे लिए मैंने मेरा घर घर छोड़ा, क्या मैंने जीरा सोडा, जैसे मटके में पानी का थोड़ा सोडा, जा ऐसा थोड़ा आता पकड़ मत लौड़ा। अरे वाह, इनका नाम है अबू मलिक। अबू मलिक, अबू मलिक, गेस करो ये किसके भाई हैं? अनु मलिक। अपने भाई की तरह इनका भी पैशन है संगीत की गान में। फी 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 फिजिक फाइन, सा 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 सॉलिड बॉडी डिजाइन, है तू नंबर वन लड़का, चेहरे पे कैसी शाइन। फी 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 मतलब फिजिक। किस्मत का खाने बहन चोद, क्योंकि इन दोनों भाइयों को संगीत बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं इन्हें मीवी के कॉलर ईयरफोन्स देना चाहूंगा। इनमें तुम पूरा दिन बैठ के एक गर्म की चाय प्याली हो सुनो कोई दिक्कत नहीं है, दुब दुब करके कैड़ा बेस भी आता है। ये इतने हल्के तुम इसे लिटरली पूरा दिन टांग सकते हो, कभी कभार तो तुम भूल भी जाओगे कि पैन भी रखे थे। और अगर इन्हें तुम्हें छुपाना हो तो भैया कॉलर में छुपा लो, नहीं तभी तो नाम कॉलर है ना। अब अगर बीवी बच्चों से भी बात करनी है तो आवाज का बढ़िया आदान प्रदान है। अब आपको क्या लगता है ये कब तक के रहेंगे घर में? कब तक रहेंगे? ये तो कुछ कह नहीं सकता, मगर आई कैन टेल यू वन थिंग, मैं लास्ट बार निकलूंगा। ये कॉन्फिडेंस, कुछ घंटा नहीं उखाड़ा इसने बिग बॉस में, 2 हफ्ते में बाहर हो गया। और बहाने तो सुना भाई साहब के, I did not connect with the girls because there was nothing so exciting about any of them. तो ये टीवी देखने की उम्र है, टीवी पे आने की नहीं, ठीक है यार, लेकिन शो उम्र देख के तो चुनो। बच्चन साहब भी तो कर रहे हैं ना करोड़पति, ऐसे कल को तो तुम स्प्लिट्सविला में चले जाओ, हमें क्वीन बनना, हमें क्वीन बनना, कौन बना रहा तुम्हें क्वीन? अब चलते हैं प्रतियोगी नंबर 2 पे, माहिरा द स्पेशल चाइल्ड। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मुझे मुड़ के ना देखे, और वैसे भी पैसा तो हाथ की धूल होती है ना, मैं पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने पैशन के लिए काम करती हूँ। एक और लड़की जिसको लगता है वो स्पेशल है, और कौन? लोमड़ी सी थूत की, ये मेरे कौन है जिसने मुझे पीछे मुड़के नहीं देखा, ये एटीट्यूड ना 2004 में मर गया था, तुम क्यों जिंदा हो? और इसका पैशन पता क्या है? वो कौन सी चीज है जो आपको बिग बॉस के घर की ओर खींच लाई है? फेम तो मिल जाता है, है? फेम तो मिल जाता है। बेटे कौन है तू? टिकटॉक में 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स। अच्छा हाँ, फेम तो मिल ही जाता है, कोई कदर ही नहीं है ना। फिर ये कहते कि हमने स्ट्रगल किया, करण जोहर लौड़ा लसन।
पैसे तो बहुत है मेरे पास, क्योंकि मैं रईस हूँ दिल से भी और वैसे भी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बता भी किसे रखी है, सलमान भाई को। बेटी वो सामने खड़ा इंसान तुम्हारी चार पुश्तें खरीद लेगा, दिल से भी और वैसे भी। तू फोन पे टिकटॉक बना रही होगी भाई, चुपके से आएंगे और भाई सलामकुम। सुना है कि आपने गुस्से में कुछ चीजें तोड़ी फोड़ी भी हैं। हाँ, आप भी जानते हैं कि जब गुस्सा आता है तो उस पर काबू तो रहता नहीं है। कभी कभी मेरे गुस्से पे तो फुल काबू है। भाई मेरा योडा ले गए। ये इंसान नहीं इंसेन है। बावड़ी तो ऐसे हो रही है जैसे कोर्ट ने गलत फैसला सुना दिया। अब चलते हैं प्रतियोगी नंबर तीन पे, बी बॉय पारस, क्योंकि इस देश का हर पारस बी बॉय करता है। वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध तीन सफेदी मेरे माथ से आए, रंगीन कपड़ा भी पिल पिल जाए, निर्मा निर्मा दाता माँ। वैसे यार ये तो काफी हैंडसम। ये फोटो कहाँ से मिली? नहीं देखो यार, इन चीजों पे मजाक उड़ाना गलत बात है। ऐसे तुम किसी के सर से छत नहीं खींच सकते। गंजा 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 गंजा, हम भी हो जाएंगे। खैर ये छोड़ो, भाई की बातें सुनो। मेरे सुनने में आया था कि एक पप्पी से 800 कैलोरीज बर्न होती है। ओ चाचा चौधरी के चौथे चौधे, एक झापड़ में कितनी कैलोरीज बर्न होती है? कम से कम 8000। खा के देख ले, क्या पता तेरे बाल भी आ जाए। ओके ठीक है, ये लास्ट था बस। वैसे इस साल ना गजब हो गया, सारे परिंदे एक दूसरे के प्यार में है। बी बॉय पारस की GF बनी है माहिरा द स्पेशल चाइल्ड। लेकिन घर किसका है? बिग बॉस का। तो लड़ो बहनचोद, तेरे से पहली बार होगा। तेरा पहली बार मुझे लेना देना नहीं है, मैं भी कैमरे पे हूँ और भी लोग मुझे देख रहे हैं। मैं तेरा लूंगा, मैं तेरा लूंगा। क्या कहना चाहते हो बे? मेरे मुंह मत लग, तूने बात बोल दी ना शो के बाद, क्या तू मुझसे बात नहीं करेगी? मैं तेरे से अभी से बात नहीं कर रहा, जा। ओहो, रिश्ते में दरार, अच्छी लंड मेरा। जब दूसरों से नहीं लड़ रहे होते तो एक दूसरे से लड़ते हैं, और फिर पारस भाई साहब एक जादू की झप्पी देते हैं, फिर सब ठीक हो जाता है। हैप्पी एंडिंग। तू करता वही है जो तुझे करना होता है। ठीक है ओके, मैं 2 मिनट किसी के साथ। अब जब बी बॉय पारस अपनी GF से नहीं लड़ रहे होते, वह एक और परिंदे से लड़ते हैं। ये लौंडा घर से कपड़े ही नहीं लेके आया, जब देखो नंगा पुंगा घूमता रहे। दोपहर 2:45, रात 10:30। इसने अपने आंट छोड़ के बाकी सब दिखा रखा है। नहीं मुझे समझ में आती है, तुम सेक्सी कूल डूट बनना चाह रहे हो, लेकिन लल्ला तुम लड़कियों से ज्यादा 50 साल के बुढ़े एक्साइट कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो टिकटॉक? तुम्हारा भी यही सीन है। अब पता नहीं स्कूल डूट के कौन से तारे टकरा गए, श्री जॉन फिलिक्स एंथनी सीना जूनियर, यू कांट सी मी वाला, उसने अपने इंस्टाग्राम पे क्या डाला? जॉन सीना बिग बॉस देखता है? कल्लू कुमार की उना कोटी में ये क्या डेवलपमेंट है? ऐसा तो जॉनी सिंस मेरी वीडियोस देखता होगा। ये 65 साल का होकर लॉन्डियों को बेबी डॉल पर नचवा रहा है, और क्या देखो पूरी पूरी दाढ़ी आ गई है, तब भी मैदान दूर दूर तक साफ है। मजा आ गया रे, मेरे को एक एक चीज समझ में आ रहा था। खैर अब चलते हैं बी बॉय पारस और स्कूल डूट की लड़ाई पे। ये 4 दिन में तूने मुझे नहीं दी तेरे बाप के डब्बे में, तेरे बाप के भी नहीं है, बिग बॉस के है, बिग बॉस को तू अंदर से लाके मुझको दे। दिन में सूरज निकला नहीं, रात में चांद आया नहीं, गुथाई करवा लो। जो लोग बिग बॉस देखते हैं तुम्हें पता है तुम लोग क्या करते हो? ये परिंदे लड़ते हैं और फिर उस लड़ाई को डिस्कस करते हैं, और फिर तुम उनकी लड़ाई और डिस्कशन दोनों को देखते हो, और फिर उसे दोबारा डिस्कस करते हो। मैं ना एक बाल्टी का आयोजन कर रहा हूँ, सब एक एक करके डूबेंगे। और जो परिंदे बिग बॉस के पहले सीजन में रह चुके, पता नहीं वो अपने विचार क्यों देते रहते हैं। तुम्हारा हो लिया ना, रुक जाओ यार। अब नहीं, आप ये सब डर उसको मत दीजिए, और पराग मेरे भाई भोजपुरी पिक्चर कोई साइन कर ले।
क्या कर रहा था तू यार? चिल मैन। श्री एजाज खान ये बात अपने अतीत को कह रहे हैं। यहाँ से लौड़ा फेंक के मारूंगा ना। क्या कर रहा था तू यार? चिल मैन। अब जब बीबा तारस नाम का जानवर शांत होता है तब हमारे कूल टूट एक और परिंदे से लड़ते हैं। ये है सिद्धार्थ शुक्ला उर्फ शुक्ला जी। ये व्यक्ति हिला हुआ है, इसका मुझे कुछ समझ नहीं आया। पहले के एपिसोड्स में मुझे लगा कि ये साधारण गंजेड़ी है। कैसा भी होगा, ऐसा कुछ नहीं, जला होगा थोड़ा, पर खाना बन जाता है, खाना बन जाता। लेकिन भाई ने फिर जो तबाही मचाई है। आप वही कर रहे हैं हमें भी, आप लड़कियों पर कर रहे हैं। पहली बार देख रहा हूँ एक सांड कुत्ते जैसा व्यवहार कर रहा है। शुक्ला जी आप गलत शो पे आ गए हो। रोडीज का सेट एक गली छोड़ के है, देखना छोटा सा गेट होगा, उस पे दो बड़े बड़े टट्टे बने होंगे, वहाँ चले जाओ। ऐसे भैरंड इंसान को किसने खुला छोड़ रखा है? खैर एक इंसान है जिसकी तरफ शुक्ला जी थोड़ा नरम है। ये है कुड़ी पंजाब, पंजाब दी कुड़ी बुलबुल बुले शहनाज गिल। इसकी बिग बॉस की जर्नी कुछ ऐसी रही। ये है शुक्ला जी की GF, मतलब है भी नहीं भी है। एज अ फ्रेंड वाला रिलेशन भी नहीं है मेरा तेरे साथ। ओके। एज अ बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन भी नहीं है। पता नहीं कुछ है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तुम्हें बीमारी है, वो भी छुआ छूत की। घुंगरू नहीं, बड़े मजे आ रहे थे ना। चुम्मा चाटी चल रही है, कडलिंग चल रही है, और फिर रात को चादर के नीचे हाथ पकड़ना। लेकिन घर किसका? बिग बॉस का। तो लड़ो बहनचो। Can I just get the out of my life, man? Just get out. क्या हुआ? Just. मैं normally बात करूँ? मेरे को नहीं करनी है तुमसे बात। एक मिनट रुक। ठीक है? मेरे को बात नहीं करनी है। क्यों? क्यों? क्योंकि गंद हो तुम। फिर से दिल में दरार? गंद हो तुम। इनका भी वही सीन है। उसी रात को अब चलते हैं द बिगेस्ट एंड द बॉगेस्ट फाइट पर, शुक्ला जी वर्सेस कूल टू। पहले ये दोनों ही शांत बैठते थे, लेकिन फिर घर किसका? बिग बॉस का। तो कैंसर की तरह इनकी लड़ाई की भी चार स्टेजेस हैं। पहली स्टेज, मेरे को धक्का मत मारना। ये जन्म सिद्ध चूतिए सेब और संतरों पे लड़ रहे हैं, और बाकी को देखा कैसे भागते हुए गए। तुम्हें क्या लगा इन्हें लड़ाई रुकवानी है? ना 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 ना, इन्हें देखा कि दो गोटे अकेले फुटेज खा रहे हैं। कैमरा 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 कैमरा। अब चलते हैं दूसरी स्टेज पे। इसमें दो कॉन्डम एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। नसीब में फटा नहीं। अरे फटा ना तेरा। तीसरी स्टेज खतरनाक है क्योंकि ये जात पात औकात सब पे चले जाते हैं। तूने क्या कर लिया लाइफ में? सॉरी क्या बोला? तूने क्या कर लिया लाइफ में? क्या किया लाइफ में? शुक्ला जी इतनी मरवा के चुप तो बैठेंगे नहीं, वो सीधे चौथी स्टेज पे चले गए। सिद्धार्थ और आसिफ हाथा पाई की नौबत नहीं आ रहा। मेरा माता नहीं गया, जो माता मेरे पापे नहीं गया, जो माता मेरे पापे नहीं गया, जो माता। अब मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे कैरी तू किसको सपोर्ट कर रहे है बिग बॉस में? देखो तुम्हारा सवाल गलत है। तुम्हारा सवाल होना चाहिए कैरी क्या तुझे इससे फर्क पड़ता है? नहीं क्योंकि इन्हें लगता है वोटिंग इस चीज की हो रही है कि सबसे बढ़िया कौन है, लेकिन असल में वोटिंग इस चीज के लिए हो रही है कि सबसे चूतिया कौन है, क्योंकि बिग बॉस में तुम्हें सबसे ज्यादा
फुटेज खाने के लिए चूतिया हरकतें ही करनी पड़ेंगी। अबे मैं तो कहता हूँ डरो, बिग बॉस जीतने से डरो। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। यार देखो मारना ही पड़ेगा, सलमान भाई ने बोला है जब तक 2 मिलियन लाइक्स नहीं हो जाते तब तक वो मेरा योटा वापस नहीं करेंगे, तो मारना ही पड़ेगा। और गाइस मीवी की लव सेल चल रही है तो तुम्हें ये कॉलर ईयरफोन 1299 के मिल जाए। सोचने में सब कुछ करने में 2 से 2.5 दिन लग जाएंगे, एडिट करने में फिर लग जाएगा टाइम 2 दिन, मतलब कम से कम 1 हफ्ते की मेहनत है, 4-5-6 दिन की मेहनत है लग कर, तब जाके ऐसी वीडियो बनेगी। तो बहुत सेक्सी तरीके से यू नो लेता है, और जो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो भयंकर हो जाती हैं। एक तो वो योड़ा वाला बताओ यार मेरे को क्या सीन है, दूसरा बोलते हैं कि 2 लड़ रहे हैं कि ये फुटेज ले रहे हैं आपस में, और फुटेज ले रहे हैं कैमरा का वो तो मौसम था। और एक सीन और जो सारा ही बहुत बढ़िया था, अबू मलिक से शुरू किया, भयंकर यार, मतलब ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 पता नहीं उसने किस किस का लिया है, कैसे कैसे किस किस के लिए। क्योंकि अगर मैं देखूँ तो हिंदुस्तानी भाव छूट गया, आरती छूट गई, रश्मि मतलब इनकी भी ले सकते हैं, क्योंकि बिग बॉस में जितने भी लोग आए कुछ को छोड़ के सारे करेक्टर ऐसे हैं कि भैया कुछ ना कुछ कंटेंट बन सकता है उनका, बढ़िया था। तो पार्ट 1 पता नहीं मैंने देखा है नहीं देखा, वो भी देखना पड़ेगा, आप लोग बताना आपको ये पार्ट 2 कैसा लगा था, और ये रिएक्शन अच्छा लगा हो तो थम्स अप दे देना, और साथ ही साथ दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उस पर व्लॉग आया मेरा अभी कुछ टाइम पहले, जिसमें हाँ मिला हूँ मैं एक टिकटॉकर से, टिकटॉक तो बैन होगा लेकिन टिकटॉकर से मिला हूँ, और बहुत मज़ेदार, मतलब रियल फैजू खान से मिल लिया मैं। और जो जो इसने बातें बोली कि बाल्टी का आयोजन कर रहा हूँ और बिग बॉस वाले अकेले मरेंगे, तो मेरी बातें कर रहा था भाई, पिछला सीजन भी देखता हूँ मैं, ठीक है। मुझे बिग बॉस यार पता नहीं, जैसे बोलते हैं ना कि यार पता नहीं क्या है यार, मैं टाइम पास के लिए देख लेता हूँ, तो मैंने पूरा सीजन देखा, जिस तरीके से वो लड़े हैं, मतलब ये सीजन तो लड़ाई का ही है, एंटरटेनमेंट तो कम था, लड़ाई ज़्यादा थी। हाँ, तो सारी चीज़ें इसने कवर कर ली, और मेरे को तो बहुत मज़ा आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा। बाकी तुम बताना कि इसके अलावा और कौन सी वीडियो है जो हम देख सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। और इसी बात पे, बिल्कुल इसी बात पे वीडियो खत्म करता हूँ, और तुम लोगों से मतलब बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तो उम्मीद रखें जो मतलब मुस्कुराते रहो, खुश रहो, डू समथिंग।